वेलकम टू द सेशन आप सभी का स्वागत है इंजीनियर सेवन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट अवेटेड सेशन एंड दैट इज एम पी जी ए सब इंजीनियर का सेशन राइट तो आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे है ना सब कोई वापस आ जाइए वापस आ जाइए मुझे पता है थोड़ा सा सेशन डिले हो गया पर आपके लिए जो बेस्ट चीज ाना था उसके लिए ये सेशन थोड़ा सा पाँच मिनट आई हैव डिले आई एम रियली सॉरी अबाउट इट कम बैक टू द सेशन और जितने भी बच्चे जितने भी बच्चे एम पी सब इंजीनियर के एग्जाम को दे रहे हैं आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि गाइस जितने भी एमपी के एग्जाम्स होते हैं देखो रोज हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ रहे हैं है ना लेकिन एमपी स्पेशल ये भी तो स्पेशल चीज़ है तो इसको पढ़ते हैं आज अच्छे से और जितने एमपी के एग्जाम्स हैं जिसमें जिसमें है ना जिसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एम के MPK, वो सब हम आज डिस्कस कर लेंगे हम मुझे पता है आप लोग बहुत जल्दी मेरे से गुस्सा हो जाते हैं मैम जल्दी नहीं आए वापस आ जाओ भाई लोग ठीक है क्या हो गया क्या हो गया लड़ाई भी हो जाती है इतनी देर में चलो ठीक तो गाइज एक टाइमर लगा हुआ रहेगा बीस सेकेंड का और जैसे हम जानते हैं कि टॉप फाइव स्टूडेंट जो सही आंसर देंगे तो देखते हैं कि कौन है वो टॉप फाइव स्टूडेंट्स आने ये आज एम पी के स्पेशल है ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन सो लेट्स बिगिन हाँ तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और टाइमर जो है उसको मैंने स्टार्ट कर दिया है है ठीक फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड टाइमर हैज बीन स्टार्टेड पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर कौन सा शहर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है विच सिटी इज द लार्जेस्ट सिटी मध्य प्रदेश एरिया वाइज यस। टुडे आई एम डूइंग इट फॉर एमपी स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एमपी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इट्स एमपी जी के है ना हाँ जी तो देखें टाइम टाइम के पहले आप लोग आंसर दे रहे हैं दैट इज गुड वेरी गुड आंसर दो 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 वेरी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो एरिया वाइज एरिया वाइज ठीक है टाइम अप तो ये इंदौर है देखिए इस मैप को देख लीजिए आराम से यहां पे आपको दिख रहा होगा इंदौर है ना ये इंदौर यहाँ पे दिख रहा है ये यहाँ पे आपको भोजपुर दिख रहा है ये भोपाल है ये भोपाल है जो कि भोपाल कैपिटल है एंड देन खजराओं यहाँ पे ओरछा यहाँ है ग्वालियर यहाँ है यहीं पे रानी लक्ष्मीबाई जी का निधन हुआ था अमरकंटक की पहाड़ियां यहां पे हैं तो ये सारे इंपॉर्टेंट जगह हैं और इंदौर सबसे आपका बड़ा है नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन okay. नेक्स पूछा जा रहा है मार्बल मार्बल रॉक इज सिचुएटेडर द सिटी ऑफ मार्बल रॉक कहा है वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून हो गया वैसे मार्बल रॉक जो है आपका ये देखिये जबलपुर में देखिये यहाँ पे जबलपुर है और यहां पे आपका मार्बल रॉक है तो मार्बल रॉक कहा मिलता है मार्बल रॉक मिलता है आपका जबलपुर में जबलपुर है ठीक है यस नेक्स्ट आप देखें कुंभ मेला कु... देखो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके लिए है आप कुंभ मेला तुम्हारा उज्जैन में होता है और ये किस नदी के किनारे ये तो एस एस में भी आ सकता है नॉलेज जहां से मिल रहा है वो भी फ्री का तो ले लो क्या दिक्कत है गेटिंग नॉलेज ऑफ़ फ्री तो उसको जल्दी से ले लीजिए ठीक है ये शिप्रा नदी शिप्रा नदी ठीक है उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे है ये आप देख लीजिए हरिद्वार जो है ये गंगा नदी के किनारे है इलाहाबाद जो है वो गंगा नदी के किनारे है और नासिक गोदावरी नदी के किनारे ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ विच वन इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां पर हेलो आवाज नहीं आ रही आवाज क्यों नहीं आएगी आ तो रही है आवाज देखिए तो ये जो है आपका सबसे बड़ा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है ये कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क है यहाँ पे आप देखें मध्य प्रदेश में बहुत सारा नेशनल पार्क है पेंच नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क है फिर आपका uh, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क है तो बहुत सारे नेशनल पार्क हैं और इसमें से आप देखिए कान्हा सबसे बड़ा है उसके बाद कूनो नेशनल पार्क है कूनो नेशनल पार्क में अभी कौन सा स्पीशीज लाया गया है ये भी बताइए पन्ना नेशनल पार्क है सतपुड़ा संजय नेशनल पार्क बांधवगढ़ नेशनल पार्क माधव नेशनल पार्क पेंच वन बिहार फौसिल नेशनल पार्क सारे नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में हैं इसके अलावा आप तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इस हां बिल्कुल वेरी गुड मंडे से क्या करेंगे मंडे से हम लोग एस सी का पॉलिटी करेंगे ठीक है मंडे टू पूरा वीक जो है पॉलिटी चलेगा लाया गया है तो so, ये इंदौर है इंदौर आपका लार्जेस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का ये आप ध्यान रखिएगा मतलब इंदौर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है सॉरी तो so, सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपका कान्हा नेशनल पार्क हो गया डिस्ट्रिक्ट आपका लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इंदौर हो गया बाई पॉपुलेशन भी इंदौर है और एरिया के हिसाब से भी इंदौर है ठीक yes. है यस नेक्स्ट पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे मध्य प्रदेश में जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का बेसिक इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नीड टू रिमेंबर दीज ऑल थिंग्स और जो मध्य प्रदेश का नहीं दे रहा एग्जाम उनके लिए भी इंपॉर्टेंट सेशन है गाइज मध्य प्रदेश भारत का दिल है और आप जानते हैं कि अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत डिटेल में आ जाएगा ऐसे भी पूछा जा सकता है में। तो रवि रविशंकर शुक्ला ये मध्य प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं रविशंकर शुक्ला हाँ चाची फॉल चाचाई फॉल चचाई फॉल जो है ये कहाँ पे है चचाई फॉल ये बिल्कुल शॉर्ट सेशन हम लोग रखेंगे और तुरंत तुरंत मध्य प्रदेश के जीके को कर लेंगे yes, नंबर सेवन का सबसे पहले आंसर कौन देगा यस yes. तो देखिए इसका आंसर है बिहार रवि रिवर बिहार बिहार नदी पे है आपका चचाई फॉल्स चचाई फॉल्स कहां है? बिहार नदी पे नेक्स्ट सवाल है ठीक है सांची स्तूपा सांची स्तूपा वॉज बिल्ड बाई अंपायर एम्प्रायर कौन थे सांची स्तूपा के यह बताइए है ना ठीक है बिल्कुल तो यह अशोक द्वारा बनाया गया अशोक द्वारा ठीक है अशोक द्वारा बनाया गया है ठीक है आपका सांची स्तूपा नेक्स्ट भोपाल मध्य प्रदेश का कैपिटल किस साल बना भोपाल बिकेम द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इन विच ईयर अच्छा प्रियांशु रीवा से है लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर एक्सेलेंट 1956 तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तो जितने एस एस जेई वाले स्टूडेंट है सुन लीजिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी किस समय आया था स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था 1956 में ठीक है यस नेक्स्ट आप देखें भोपाल गैस ट्रेजेडी ये क्वेश्चन भी एस एस जेई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है भोपाल गैस ट्रेजेडी किस दिन साल हुआ और किस गैस के कारण हुआ ये भी बताइए तो ये है 1984, 1984 में आपका भोपाल गैस ट्रेजडी हुआ और ये मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ 1984, एटी फोर मिथाइल आइसोसाइनाइड देखिए साइनाइड आप लिखेंगे तो सी एन लिखेंगे आइसोसाइनाइड लिखेंगे तो एनसी लिखेंगे मिथाइल आपको होगा सी एच थ्री होता है राइट इस तरह से चले so, नेक्स्ट तो फिर आप बताएं कि भोपाल गैस ट्रेजडी किस गैस के कारण हुआ सो अगेन क्वेश्चन Yes, आज मैं ये एक मैराथन लेके आई हूँ और ये मान लो फर्स्ट क्लास ही है no, ही है ना एम पी जी के का पहला ही क्लास है ओके तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ आपको पता है आंसर 1984 में भोपाल बो, गैस ट्रेजेडी हुआ देखिए जो एस एस जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ओके okay. राजा भोज कहा गंगू तेली कहा राजा भोज तो राजा भोज के नाम पे ही एयरपोर्ट भी है आपको पता होगा मध्य प्रदेश में साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइए कि ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे राजा भोज बिलोंग करते थे किस डायनेस्टी से यस yes. परमार डायनेस्टी से परमार डायनेस्टी से राजा भोज बिलोंग करते थे यस गाइस वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ मध्य प्रदेश मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ मध्य प्रदेश तो इंदौर है इंदौर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में आप समझ चुके हैं एरिया वाइज मध्य प्रदेश किस रैंक पे आता है तो देखिए एरिया वाइज आपको पता है कि इंडिया में जो सबसे बड़ा स्टेट है वो है राजस्थान अब आपको बताना है वन तो होगा नहीं मध्य प्रदेश सेकंड है या थर्ड है ये फिफ्थ भी नहीं है चले तो आप बताएंगे तो मध्य प्रदेश सेकंड है ठीक है महाराष्ट्र आपका थर्ड पे तो so, बहुत लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र सेकंड है मध्य प्रदेश थर्ड है नहीं मध्य प्रदेश सेकंड है इवन आफ्टर छत्तीसगढ़ के हटने के बाद मध्य प्रदेश सेकेंड है है ना ओके इन विच ईयर कान्हा इज डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व तो कान्हा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया किस साल हाँ ये डिक्लेयर किया गया है 1973 1973 में कान्हा को डिक्लेयर किया गया टाइगर रिजर्व नेक्स्ट मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्या है तो देखिए ये क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है ठीक है आपको जो नया आंसर है उसके अकॉर्डिंग देना है क्योंकि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कितने डिस्ट्रिक्ट वो तो ठीक है लेकिन अब कितने हैं और जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट देखिए निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट यह मध्य प्रदेश का एक नया डिस्ट्रिक्ट है और यह फिफ्टी सेकेंड डिस्ट्रिक्ट है तो मध्य प्रदेश में अब टोटल फिफ्टी सेकेंड डिस्ट्रिक्ट फिफ्टी टू डिस्ट्रिक्ट ठीक है, है फिर क्या हुआ कि उज्जैन से निकाल के फिफ्टी थर्ड डिस्ट्रिक्ट नागडा विल बी कार्वड आउट ठीक है विल बी कार्वड आउट और उमरिया फिफ्टी फोर्थ डिस्ट्रिक्ट इसकी भी बात की जा रही है ठीक है यस yes. तो अब आप बताएंगे कि अभी एट प्रेजेंट कितने डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में यस yes. हां टीकमगढ़ से निवाड़ी अब बन चुका है तो फिफ्टी टू डिस्ट्रिक्ट ओके नेक्स्ट okay. बताएंगे मध्य प्रदेश का स्टेट फ्लावर कौन सा है स्टेट फ्लावर ऑफ मध्य प्रदेश बिल्कुल बिल्कुल ब्रूनो एंटरटेनमेंट एक्सेलेंट तो ये है आपका व्हाइट लिली व्हाइट लिली आपका मध्य प्रदेश का स्टेट फ्लावर है वाइट लिली इज द स्टेट फ्लावर ऑफ मध्य प्रदेश टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने हैं अब इसको भी आराम से बताएं पूरा तो तीन डिस्ट्रिक्ट और बनेगा नया चुनाव में अच्छा ठीक है क्या लगता है आपको डिस्ट्रिक्ट बनना सही है हाँ? मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने हैं अब बढ़ चुके हैं अब बढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश में टोटल बारह नेशनल पार्क हैं ठीक है ट्वेंटी फोर वाइल्डलाइफ सेंचुरी है और तीन बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश में ये सब चीजें हैं ठीक है यस तो अभी इसमें जो पुराना क्वेश्चन है मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ ना तो उसमें उस हिसाब से कमीशन ने ग्यारह आंसर दिया था लेकिन अब के अकॉर्डिंग बारह है ओके okay? फिर आप देखिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है गाइस टाइमर ऑन है यस yes, बिल्कुल तो ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड है उमरिया उमरिया में मध्य प्रदेश में एमएलए कितने होते हैं नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए कितने होते हैं मध्य प्रदेश में हाँ दो सौ तीस है 230 सौ तीस एम एल देखिए क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली वोट करते हैं पीपल डायरेक्टली वोट करते हैं ये वोट करते हैं एम को ठीक है और पीपल डायरेक्टली वोट किसको करते हैं पीपल डायरेक्टली वोट करते हैं एक पार्लियामेंट में एम को ठीक है तो एम एल ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको आप विधानसभा बोलते हैं और एम पी हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको आप संसद बोलते हैं और एम पी को सांसद बोलते हैं तो ये जो एमपी जिसको हम चुनते हैं ये किसके एमपी को चुनते हैं हम लोकसभा के एमपी को चुनते हैं राज्यसभा के एमपी को हम डायरेक्टली नहीं चुनते हैं तो ध्यान से सुनिए एक बार तो अब क्या करेंगे अब आपने क्या क्या चुन लिया आपने एमएलए चुन लिया हर स्टेट से आपने एम चुन लिया अब हर स्टेट के पास ना राज्यसभा में फिर लोग आते हैं कैसे ये भी तो बात है कि मैम आपने बोला कि लोकसभा में हम डायरेक्टली इलेक्ट कर लेते हैं तो राज्यसभा में किस तरह से लोग आते हैं तो ये जो आपने एमएलए चुना है ना यही एम का सीट रहता है हर जगह मतलब ये एम जो हैं वो अपने अपने स्टेट से सीट फिक्स है जैसे बिहार में सोलह है यूपी में चालीस है एम में कितना है आप बताइएगा तो ये लोग क्या करेंगे यही एम कुछ लोगों को यहाँ पर भेजेंगे और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और साथ ही साथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से राज्यसभा में लोग आएंगे तो राज्यसभा में और लोकसभा में एक डिफरेंस है तो राज्यसभा में इन डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से इन डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है तो राज्यसभा और लोकसभा में ये डिफरेंस है समझ में आया आपको साथ ही साथ राज्यसभा में बारह लोगों को नॉमिनेट किया जाता है और लोकसभा में पहले नॉमिनेट किया जाता था दो एंग्लो इंडियंस को अब अभी जो है वो तो रहेंगे लेकिन अब अगली बार से ये नॉमिनेशन दो लोगों का नहीं होगा और ये नॉमिनेशन करता कौन है तो ये नॉमिनेशन प्रेसिडेंट करते हैं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं बता रही हूँ यहीं से सवाल आते हैं प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा इवन मध्य प्रदेश में भी इंडिया का जीके आएगा साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब ऑर्डिनरी बिल पे लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है जब ये दोनों जो हैं वो साथ में ज्वाइंट सिटिंग करते हैं यानी कि लोकसभा ने पास किया राज्यसभा ने नहीं माना राज्यसभा ने पास किया लोकसभा ने नहीं माना तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग कहलाएगा अब पूछा यह जाता है कि ज्वाइंट सिटिंग जब होता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में तो इस ज्वाइंट सिटिंग के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं हम लोग बेसिकली प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन बनते हैं तो आप बोलेंगे कि प्रेसिडेंट जो है वो इस ज्वाइंट सिटिंग के प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनेंगे प्रेसिडेंट बेटा क्रिप्टो करेंसी में ना दोनों अलग अलग रैंकिंग है वन ट्वेंटी अलग रैंकिंग है फोर्थ अलग रैंकिंग है फोर्थ तो तुम वो वाला कह रही हो जो वियतनाम फर्स्ट है वन ट्वेंटी इज की हाउ वी आर एडोप्टिंग इट फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश कौन है हाँ लोकसभा लोअर हाउस को कहते हैं राज्यसभा अपर हाउस को कहते हैं फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर पट्टा भी सीतारामैया है ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है ये और डॉक्टर पिताभी सीतारामैया जो हैं ये फर्स्ट गवर्नर रह चुके हैं मध्य प्रदेश के नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश इज लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ये बताएंगे मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट रिजर्व है है ना बालाघाट याद है आपको हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा था बालाघाट के बारे में बालाघाट कॉपर माइंस के लिए है बिल्कुल हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक तो मध्य प्रदेश कॉपर के लिए बहुत फेमस है है ना और बालाघाट माइंस आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है तो याद रखेंगे ये एन में बहुत ब्रॉड में लिखा हुआ है तो हर एग्जाम में ये पूछा जा सकता है बालाघाट इज इन मध्य प्रदेश फाइन और एक और चीज याद रखेंगे खेतरी भी है खेतरी कहाँ है खेतरी राजस्थान में ये भी आपका कॉपर के लिए बहुत फेमस है खेतरी माइंस और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट क्यों फेमस है गाइज सिंहभूम सिंहभूम में क्या है तो यहां ये झारखंड में सिंहभूम में तो आयरन और कोल भी है साथ ही साथ कॉपर भी है ओके okay? यस yes. अगर गोल्ड के बारे में पूछ लिया जाएगा तो क्या बताइएगा गोल्ड गोल्ड कहाँ मिलता है तो के जी एफ सबने देखा है कोलार गोल्ड फील्ड है ना कोलार गोल्ड फील्ड कहां पर कर्नाटका में है कर्नाटका में कोलार गोल्ड फील्ड है ओके okay? फिर आपका सोनभद्र भी याद रखेंगे सोनभद्र सोनभद्र जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है ये भी आपका गोल्ड के लिए फेमस है इन चीजों को थोड़ा बहुत आप ध्यान रखेंगे अच्छा अगर आपसे माइका पूछा जाएगा तो माइका आप याद रखें कि नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है नेल्लोर बेल्ट या आंध्र प्रदेश में नेल्लोर या आंध्र प्रदेश में साथ ही साथ गया याद रखेंगे गया बिहार में है और गया से लेकर हजारीबाग, हजारीबाग में मिलता है आपका मायका और एक अजमेर भी याद रखेगा अजमेर राजस्थान में है यहाँ पे भी आपका मायका मिलता है राइट तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता दे रही हूं एमपी के लिए भी और एस एस जेई के लिए भी ऐसा नहीं सोचेगा कि एमपी में सिर्फ एमपी का जीके आएगा एमपी में इंडिया का जीके आता है हाँ जादूगोड़ा भी है ठीक है ओके खजराव ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस साल तो ये 1986 में खजुराहो को 1986 में डिक्लेयर किया गया 1986 में यस टोटल नंबर ऑफ रिकोगनाइज शेड्यूल ट्राइब्स टोटल कितने शेड्यूल ट्राइब्स हैं मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स मध्य प्रदेश में कितने ठीक है तो अभी तक तो देखो फोर्टी सिक्स है ये नंबर वेरी करते रहता है अब उस साल जो एग्जाम हुआ है तो उस हिसाब से फोर्टी सिक्स है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सा ट्राइब है इंडिया में अगर पूछा जाएगा ना तो इंडिया में भील याद रखेंगे भील ठीक है मध्य प्रदेश में कौन सा ट्राइब सबसे ज्यादा है हाँ हाँ बिल्कुल बुक्स एंड ऑथर्स आएंगे तो वो तो मैं रेगुलर क्लासेस में करवा रही हूँ अभी जैसे हम लोग मंथ वाइज कर रहे हैं फिर हम लोग सेक्शन वाइज करेंगे जैसे स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स बुक्स एंड ऑथर्स सब हो जाएगा रिवाइज डोंट वरी तो मध्य प्रदेश में गोंड है ठीक है गोंड सबसे ज़्यादा है और अगर इंडिया में पूछा जाएगा तो इंडिया में आपका भील है ग्ड मध्य प्रदेश में इंडिया में भील है ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली भी एक स्टेट में आया था एग्जाम में लॉन्गेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है ये तो पता होना चाहिए साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है कावेरी नदी कहाँ से निकलती है गोदावरी नदी कहां से निकलती है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है चीजों को आपको डिटेल में पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में यस yes, गाइस हाँ तो यहां नर्मदा है आप सुनेंगे ध्यान से एक बार देखिए नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है तो अमरकंटक के पास से निकलती है अमर कंटक अब मोटा मोटी अमरकंटक के पास से और भी कुछ नदियां निकलती हैं जैसे एक तो रायपुर से निकलती है महानदी और इसी के पास से एक सोन नदी भी निकलती है सोन एक लौती ऐसी गंगा की सहायक नदी है जो कि साउथ से ऊपर की ओर जाती है और गंगा में जाकर मिल जाती है ये चीजें आप समझ गए साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है महाबलेश्वर महाबलेश्वर कहाँ पे है महाबलेश्वर नासिक में है नासिक कहाँ में है तो नासिक जो है वो महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र में नासिक है कावेरी नदी कहाँ से निकलती है कावेरी नदी ताल कावेरी झील से निकलती है ताल कावेरी झील कहाँ पे है कावेरी झील ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां पहाड़िया ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटका में है चीजों को याद रखेंगे उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि गोदावरी नदी कहां से निकलती है गाइस सबको आप लोग सब पढ़ चुके हैं सब गोदावरी नदी निकलती है त्रिंबकेश्वर से त्रिंबकेश्वर त्रिंबकेश्वर कहाँ पे है त्रिंबकेश्वर भी आपका नासिक डिस्ट्रिक्ट में है नासिक डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है नासिक डिस्ट्रिक्ट आपका आपका महाराष्ट्र में है ओके साथ ही साथ आप ये भी पता चल जाएगा आपको कि कृष्णा महानदी गोदावरी कावेरी ये सारी नदियाँ जाकर मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में है ना बे ऑफ बंगाल में लेकिन दो मेजर नदी जो कि है नर्मदा नदी और तापी नदी कहाँ मिलती है नर्मदा नदी और तापी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है ये मिलती है कहाँ पे ये मिलती है अरब सागर में अरेबियन सी में अरब सागर में मिलती है साथ ही साथ बाकी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं वो हमेशा डेल्टा फॉर्मेशन करती है लेकिन इन दोनों में याद रखेंगे ये डेल्टा फॉर्मेशन नहीं करती एक वर्ड याद रखेंगे एस्चूरीज ये एस्चूरीज का फॉर्मेशन करती हैं ये क्यों इस तरफ गिरती हैं क्योंकि यहाँ पे रिफ्ट वैली है रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है रिफ्ट वैली का मतलब होता है कि पहाड़ है और पहाड़ में अचानक से जैसे ये पहाड़ है पहाड़ में अचानक से छेद हो गया तो नदी यहाँ से निकलने लगी तो रिफ्ट हो गया टूट गया तो ये रिफ्ट वैली बन गई ऑल इंडियन क्लासिकल डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज एवरी इन मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में क्लासिकल डांस फेस्टिवल कहा, कहा खजुराओं में होता है ठीक है रेलवे so, का स्लीपर मध्य प्रदेश में कहां पे होता है कुछ नाम भी बदले गए हैं मध्य प्रदेश के हबीबगंज का नाम बदला गया है। बिल्कुल बिगेस्ट डेल्टा सुंदरबंश डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र के एक्सेलेंट मध्य प्रदेश में श्योर श्योर में आपका में आपका रेलवे स्लिपर है ठीक है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश सबसे पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन बनी तो ये है उमा भारती उमा भारती मध्य प्रदेश की सबसे पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी ठीक है yes. फॉलोइ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश बाई पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा इंदौर आप पढ़ चुके हैं है ना एरिया वाइज भी आप इंदौर पढ़ चुके हैं ठीक है अब आपसे पूछा जा रहा है कि पॉपुलेशन के हिसाब से मध्य प्रदेश में जो फिफ्टी टू डिस्ट्रिक्ट उनमें से सबसे छोटा आपका हारदा है हार्दा हाँ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है हमारे साथ वो बता रहे हैं कि इंदौर में पताल पानी का तांतिया भील वेरी गुड और हबीबगंज का क्या नाम रखा गया है ठीक तो है तो देखिए अकाल अखिल भारतीय कालिदास समारोह के उज्जैन में होता है ठीक है मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम ये शुरू हुआ था 1961 में मध्य प्रदेश में गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ सिचुएटेड है गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में ये बताएंगे आप हाँ जी बिल्कुल नहीं आंसर्स तो आ रहे हैं आप लोगों के वेरी गुड आई एम अप्रिशिएटिंग दैट ठीक है तो ये इंदौर में है इंदौर में है अकॉर्डिंग टू सेंसिस दो हजार ग्यारह मैक्सिमम पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन इंदौर में है संध्या अग्रवाल एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड है मध्य प्रदेश की है क्रिकेट से रिलेटेड है ठीक है ऐशबाग स्टेडियम ये कहां पे लोकेटेड है भोपाल में है ठीक? धूपगढ़ धूपगढ़ किस पहाड़ी में है धूपगढ़ किस पहाड़ियों में है सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्टेट म्यूजियम ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल वॉज अर्लियर नोन एज हां तो मध्य प्रदेश में भोपाल में स्टेट म्यूजियम है जिसका पहले नाम एडवर्ड म्यूजियम था अब इसका नाम बदलकर स्टेट म्यूजियम नाम रख दिया गया है ये 80 डिग्री होगा ठीक है 80 डिग्री ईस्ट से सबसे करीब कौन सा है तो ये देखिए कटनी है कटनी, कटनी डिस्ट्रिक्ट 80 डिग्री ईस्ट से सबसे करीबी में है यस yes, गाइज हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश धूपगढ़ है इवन धूपगढ़ जो है ना वो सतपुड़ा आपका जो रेंजेस है उसका भी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ ठीक है अगर विंध्या रेंजेस का हाईएस्ट पीक पूछा जाएगा तो विंध्या रेंजेस का हाईएस्ट पीक है गुडविल क्या आप इसको हिंदी में कह सकते हैं सद्भावना ओके विंध्यास का ये सतपुड़ा का साथ ही साथ आप देख लीजिए नीलगिरी का नीलगिरी का जो हाईएस्ट पीक है ये कौन सा है डोडा डोडा बेटा डोडा बेटा नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है अगर आपसे वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक पूछा जाए तो अन्ना मलाई है अन्ना मलाई वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है इसमें एक पीक है अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी ये आपका पूरा साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है अगर ईस्टर्न घाट का हाइस्ट पीक पूछा जाए तो वो है महेंद्रगढ़ महेंद्रगढ़ ठीक है क्लियर गाइस बेहतरीन चंबल नदी ये ट्रिब्यूटरी नहीं है विच रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल चंबल नदी की कौन सी नदी ट्रिब्यूटरी नहीं है चंबल नदी खुद में यमुना की ट्रिब्यूटरी है अगर गंगा की ट्रिब्यूटरी पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा गंगा के बारे में तुम आपको बता चुके ना उसका ओरिजिनेशन याद है सबसे पहले कहां से शुरू होगी कहानी बद्रीनाथ से बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलेगी बद्रीनाथ से निकलेगी अलखनंदा उसके बाद सबसे पहले विष्णु प्रयाग में आकर इससे मिल जाएगी धौली गंगा विष्णु प्रयाग में फिर क्या होगा कर्ण प्रयाग में इससे आकर मिल जाएगी पिंडर और उसी बीच में नंद प्रयाग में इससे आकर मिल जाएगी नंदाकिनी केदारनाथ से निकली हुई नदी मंदाकिनी इससे आकर मिलेगी रुद्रप्रयाग में और फिर भा, भागीरथी भागीरथी जो है ये आपकी मिलेगी गंगोत्री से निकलकर अलखनंदा में देव प्रयाग में और गंगा नदी यहां पे बन जाएगी ये चीजें मैंने आपको याद करवा दी है ठीक है बेतवा बेतवा चंबल की सहायक नदी बिखड़े मोती बिखड़े मोती एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है मध्य प्रदेश का और ये किताब किसने लिखा है ये आपसे पूछा जा रहा है सारे लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा आप सभी को स्टूडेंट्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं और अब आप आंसर बताएंगे ठीक है बिखरे मोती ये किताब लिखी गई है सुभद्रा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा ठीक है यस yes. करेंसी प्रिंटिंग प्रेस इन मध्य प्रदेश तो प्रिंटिंग प्रेस मध्य प्रदेश में कहां पे है ये देवास में है प्रिंटिंग प्रेस कहां करेंसी नोट यहीं छपेगा यहीं जाके आप लोग कर लीजिएगा गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड किस चीज से रिलेटेड है ये रिलेटेड है जर्नलिज्म से जर्नलिज्म से मुझे पता है कि क्वेश्चन के लेवल बहुत बेसिक है पर ये इसलिए बेसिक है ताकि पहले बेसिक्स तुम लोग पता नहीं क्यों ये सोचते हो कि इजी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते बहुत गलत फहमी है ये और बच्चे पता है इजी क्वेश्चन को ही रिवाइज नहीं करते उसी में ट्रैप होते हो और ये मैं आपको ये नहीं कह रही कि कोई बहुत बड़े एग्जाम है बहुत छोटे एग्ज़ाम है स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है ना मैं खुद आई हैव एनालाइज अभी मैंने बिहार यूपी पी एम एक छत्तीसगढ़ का पेपर हुआ था सबको एनालाइज करके बता रही हूँ कि इजी क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे इसी पे फोकस नहीं करते हैं टफ क्वेश्चन के पीछे भागते हैं पहले इजी तो क्लियर करो ठीक है श्री सिंगाजी सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये कहां पे है? ये बहुत दिस इज अ वेरी नेगेटिव एटीट्यूड कि विदाउट डूइंग इजी क्वेश्चन यू आर गोइंग टूवर्ड्स टफ क्वेश्चन लेवल ऐसे बढ़ता है ऐसे नहीं बढ़ता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ इज नॉट अ गुड ग्राफ आपको धीरे धीरे आराम से पढ़ना है ग्रेजुअल ग्राफ हाँ जीके इजी या टफ हार्ड नहीं होता वेरी गुड जीके जीके होता है तो ये मुंडी में है मुंडी में ठीक है मुंडी में संत सिंगा जी बिलोंग टू विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश तो ये कहाँ के थे ये निमार तरफ के थे निमार के थे है ना किनको हम लोग गुरु जी के नाम से भी जानते हैं मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में गुरु जी के नाम से तो यह है विष्णु चिंचलकर विष्णु चिंचलकर को हम गुरु जी के नाम से जानते हैं रानी दुर्गावती जी इनका इनका रूल था गोंडवाना गौन, में ठीक है मध्य प्रदेश कितने स्टेट से बॉर्डर टच करता है और कौन कौन से ये तो आप आराम से बता सकते हैं मध्य प्रदेश टच बॉर्डर विच कौन कौन से यस ठीक है नॉर्थ में उत्तर प्रदेश है बता रहे हैं एक स्टूडेंट ईस्ट में छत्तीसगढ़ है साउथ में महाराष्ट्र है वेस्ट में गुजरात और और राजस्थान है तो आंसर हो गया पांच कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम न्यूज में भी रहा है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है यह बताइएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में गाइज कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम इज रिलेटेड टू क्रिकेट ठीक है सो ये था एक स्मॉल सा सेशन आपके लिए मध्य प्रदेश बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेसिक जीके होपफुली आपको सेशन समझ में आया होगा पसंद आया होगा बेसिक चीजें वापस से रिवाइज हो गई होंगी और अगर आप सोच रहे हैं कि मैम एक काम करते हैं मैं ना टेस्ट बना लेता हूँ एग्ज़ाम के पहले तो बहुत अच्छा विचार है आपका आज मैं बोलूँगी कि आप ज़रूर टेस्ट बनाइए आप अपना पहले एग्जाम के पहले तो आपको टेस्ट बनाने के लिए क्या करना होगा आपको गूगल में जाना होगा ठीक है गूगल में जाते ही आप अंडर ट्वेंटी फ़ोर सेवन आज एक ऑफर भी है स्टूडेंट्स डे के अवसर पे अडर ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम पर आप जाएंगे है ना और टेस्ट बनाओ गाइस टेस्ट बनाओ आई एम वेरी सीरियस ऑन इट आप ऑल कोर्सेज में जब जाते हैं तो ऑल कोर्सेज में आप गेट इंजीनियरिंग सेक्शन में जाते हैं ये देखिए एम का आपका जो पी एग्जाम है इसमें सारे ऑलरेडी क्लासेज हैं ठीक है ये सारे क्लासेज हैं साथ ही साथ आप देखिए ये टेस्ट पैक्स भी हैं तो टेस्ट पैक तो हैं लेकिन वॉट आई विल रिकमेंड टूडे कि ये टेस्ट पैक आप मत लीजिए इससे अच्छा बेस्ट मैं बताती हूँ जैसे आप क्या करें एस एस जेई के कॉलम में जाएं और आप प्राइम टेस्ट पैक ले लीजिए क्योंकि इस इसमें ना आज आपको डबल वैलिडिटी ऑफर मिलेगा तो आपने जिसमें भी आपने बीटेक या डिप्लोमा किया हुआ है आप उस टेस्ट पैक पे क्लिक करें छः महीने का लीजिएगा तो एक साल का मिलेगा एक साल का लीजिएगा तो दो साल का मिलेगा दो साल के लिए आपको ये टेस्ट पैक मिलेगा यहाँ पे आपको क्या करना है वाई तीन सौ बत्तीस एस कोड यूज़ करना है एस कोड यूज करके थ्री सेवन टू रूपीज़ में आपको ये टेस्ट पैक मिल जाएगा ये सिविल का है उसी तरह से आपका जैसे गेट इंजीनियरिंग सेक्शन में जाके आप जैसे ही एस एस सी जेई के कॉलम में जाते हैं और नीचे जाते हैं तो मैकेनिकल का है इलेक्ट्रिकल का है इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है तो आप यहाँ पर टेस्ट पैक ले लें सिर्फ नॉन टेक का सोच रहे हैं तो नॉन टेक का टेस्ट पैक ले लें अगर आप ये सोच रहे हैं एस एस सी जेई का मंडे से लेके फ्राइडे तक क्वालिटी चलेगा बारह बजे वाले सेशन में अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम मैं ना एक रैपिड रिविजन कर लेता हूँ एस एस जेई के लिए तो ये मैकेनिकल का पैक है ये सिविल का है वाई तीन टेस्ट के लिए आप वाई थ्री यूज करेंगे वाई थ्री थ्री टू एस और अगर आप चाहते हैं कि आप बैचेज में आए तो आप वाई थ्री थ्री टू यूज करें ठीक okay? है तो ये मैकेनिकल का है यहाँ पे आप क्या करें नौ सौ उन्नीस रुपये का आपको मिल जाएगा अगर आपके पास अंडर ट्वेंटी फोर सेवन का ऐप है तो एक परसेंट डिस्काउंट और मिल जाएगा नौ सौ उन्नीस रुपये में आपको ये मैकेनिकल का क्रैश कोर्स मिल जाएगा एस एस सी जेई का इसके अलावा भी आप देख सकते हैं जो भी कोर्स आपको चाहिए डी आर डी ओ एस एस सी आई एम डी सब कुछ अवेलेबल है तो अगर एक ऐसा जगह चाहिए जहां पे डबल वैलिडिटी भी है सेवेंटी एट परसेंट का डिस्काउंट भी है और साथ ही साथ आपको उसके अलावा और कुछ लेने की जरूरत नहीं है चाहे वो क्लासेज हो चाहे वो टेस्ट सीरीज हो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं इवन जो नए बैचेज है वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे तो आप छह महीने का अगर आज बैच लेते हैं तो आपको वो एक साल के लिए मिलेगा फॉर एग्जाम्पल आपने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा या बी किया हुआ है वाई तीन यूज करके टू में आपको ये बैच मिल जाएगा तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज और आप बैच में जल्दी से इनरोल कर लीजिए टाइम वेस्ट मत कीजिएगा थैंक यू फॉर द सेशन कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए तो थैंक यू